आल बी वेरी ऑनेस्ट मुझे किसी का गेम अच्छा नहीं लग रहा है ऑब्वियसली वो सिचुएशन को मुझे झेलना पड़ेगा खेलना पड़ेगा जिस तरीके से ईशा मेरी द, बहुत क्लोज है जहाँ जहाँ अभिषेक ने गलत किया है मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बैंड बजाऊंगा वो बंदा एडजस्ट कर रहा था एक बार करा दो बार करा तीन बार करा चार बार करा पाँच बार फटा फटने पर उसका जो नेचर था उसने थप्पड़ मारा मैं अंदर जाके उससे बहुत सारे सवाल करना चाहता हूँ और सच बताऊँ तो फटना चाहता हूँ सुनना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ बहुत ज़्यादा इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म अच्छा शो है Uh, हर कोई एक्टर टेलीविजन एक्टर स्पेशली जाना चाहता है uh, एक uh, बोलते ना टू एक्स लग जाता है आपकी जर्नी में ऊपर जाना बिगड़ता भी है कुछ लोगों का बिगड़ता भी कुछ लोगों का सुधरता भी है आप पर डिपेंड करता है कंग्रेचुलेशन तो बहुत अच्छे अच्छे लग, लगते हैं आपको बट uh, अंदर जाके फिर जो जिस तरीके से आपको खेलना होता है उस पर डिपेंड करता है कि आगे की जर्नी डिसाइड होती है आपकी किस तरीके से तो वजह तो आप अंदर जाएंगे तो आपको देख के पता चलेगी Uh, किस तरीके का बूम मिलेगा मुझे और uh, हाँ अप्रोच uh, मेरी साइड से भी था उनकी साइड से भी था और uh, टीम ने बात करी थी डिस्कशन किया था कुछ चीज़ों पे और या जस्ट इट जस्ट हैपेंड वाइल्ड कार्ड ये हाँ ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि सेकंड इतना जल्दी वाइल्ड कार्ड कैसे हुआ तो टीम प्लान कर रही थी बट uh, हमारी बात हुई मेरी टीम से तो हमने ये डिसाइड करा कि थोड़ा और पहले ये डेट वगैरह का तुमका डिसीजन था बट मैं चाह रहा था अंदर घर के अंदर जाना तो मुझसे रहा नहीं जा रहा था दिल ही प्रेफर करूँगा बट देखो दिल दिमाग दम तुम सब 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 के पास होता है अब डिफरेंस ये है कि आप दम दिखाते कब और दि, दिमाग कब दिखाते हो और दिल से खेलते हो कब तो मैं सभी से खेलना चाहूँगा दिल से दिमाग से दम से सभी से और घर की बात करें तो मैं तो हॉल होना चाहता हूँ मुझे गेम तो एल बी वेरी ऑनेस्ट मुझे किसी का गेम अच्छा नहीं लग रहा है बहुत ही सब ठंडे पड़े हैं और एक एंटरटेनमेंट वाइज बीच बीच में वो विक्की अच्छा लग रहा था मुझे स्टार्टिंग में बट अब वो भी एज अ गेम देखेंगे तो नहीं बनावर बोल रहा है बस कि मैं करूँगा करूँगा बट कर नहीं रहा है अभी मैंने शुरू नहीं किया तो आप कब करोगे जी बिल्कुल गेम मैं गेम के लिए ही जा रहा हूँ अब वो ईशा अभिषेक या जो भी है वो उस गेम में इंक्लूडेड है तो ऑब्वियसली वो सिचुएशन को मुझे झेलना पड़ेगा या खेलना पड़ेगा जिस तरीके से ऑब्वियसली ईशा मेरी बहुत क्लोज है तो मैं जहाँ जहाँ अभिषेक ने गलत किया है मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बैंड बजाऊँगा मैं ईशा के लिए तो ये बोलना चाहूँगा कि दिल की साफ़ लड़की है ठीक है बेवकूफ़ी करी उसने आई थिंक जो लोगों को देख के बुरा लग रहा है घर वालों को भी लग रहा है उससे कई ज्यादा मुझे लग रहा है बट क्या होता है ना ये डिफरेंस होता है अंडरस्टैंडिंग में और एडजस्टमेंट में वो बंदा एडजस्ट कर रहा था एक बार करा दो बार करा तीन बार करा चार बार करा पाँच बार फटा फटने पर उसका जो नेचर था उसने थप्पड़ मारा मैं समझा और अभी भी कोशिश अभी मैं नहीं अभी मैं बिल्कुल कन्विंस नहीं हूँ मैं अंदर जाके उससे बहुत सारे सवाल करना चाहता हूँ और सच बताऊँ तो फटना चाहता हूँ बट मैं कोशिश करूंगा समझने की यही डिफरेंस होता है आप सुनना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ Uh, जो भी उसने किया मैं उसको जानता हूँ तभी मुझे ऐसा लग रहा है देखो दो रीज़न्स हो सकते हैं या तो उसने जेनवनली माफ़ कर दिया या उसने गेम के लिए किया ओके okay. अब मैं जाऊंगा अगर वो बदल गई अपना नेचर चेंज कर लेगी अभी बेड शेयर कर रहे हैं तो वो ना करें तो क्या आपको नहीं पता था कैमरा में आपको मैं देख रहा हूँ मतलब तो ठीक है हो सकता है इसको बोलेंगे मेचोरिटी आप जिसको देखते हो वैसे रिएक्ट करते हो अगर मैं जाऊंगा मुझे देखेगी तो वैसा रिएक्ट करेगी इतना सेंस नहीं होता है आपको कितना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला आप कैमराज लगे तो कब तक फेंक रहोगे तो वो शी इज़ जस्ट बींग ऑनेस्ट उसको रोते में नहीं देख सकती उसने जैसा किसी को बोला कि नहीं देख सकती रोते बट मेरा पॉइंट ये है कि वो इंसान को आप समझो कि वो कित किस हद तक गिर चुका है औरतों से बात करनी नहीं आती उसे तमीज़ नहीं है तो आई थिंक uh, ऐसे इंसान से तो बात तक नहीं करनी चाहिए और उसने की कोई बात नहीं वो उसका वो हक है उसका मैंने कोई ख़रीद नहीं लिया उसे सबको हक होता है देखिए बाहर से देखना एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अंदर से देखना अलग होता है फ़ॉर एग्जाम्पल जैसा कि हमने देखा कि एक दिन में ईशा ने माफ़ कर दिया और एंट्री पर झगड़ा दिखाया था अब हो सकता है उसके बीच में बहुत सारी कॉन्वर्सेशन हुई होंगी उनकी बट पचास मिनट के एपिसोड में जितने भी मिनट का होता है उसमें नहीं दिखा पाए लेकिन था तो एक ही दिन तो ऑडियंस ने सोचा यार एक दिन हो सकता है बीच में बहुत सारी बातें हुई होंगी तो अंदर जाके एक अलग माहौल होता है आप बाहर से नहीं डिसाइड कर सकते Uh, कि कैसे गेम खेलना है क्या नहीं रही बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की तो मुझे नहीं लगता मेरे पास कोई रिस्पॉसिबिलिटी है मैं एज एन कंटेस्ट जा रहा हूँ इंडिविजुअल गेम खेलने जा रहा हूँ एंड ऑब्वियसली कोई मैं कोई चीज़ करने जाऊंगा तो उसको, उसको, उसको अपना बेस्ट दूंगा तो या दैट्स इट एंटरटेनमेंट वाइज नहीं जा रहा हूँ अगर ऐसा होता तो राखी सामुंद जैसे लोगों को लेते मुझे नहीं लेते ग्लैमर की कमी इसलिए ले रहे हैं देखो सॉल्व करने वाले बंदे भी नहीं है ना जो हमारा बंदा है हमारी बंदी है उनसे बात करेंगे और या सॉट हुआ तो ठीक है नहीं हुआ तो भी ठीक है है ना सिचुएशन एंडिंग करना मुझे बहुत अच्छे से आता है और फैंस को मैं ये बोलना चाहूँगा कि देखो बिंदास अभी तो और फैंस बनेंगे हमारे तो देखो बिंदास इन्जॉय करो और हाँ आप लोग ही मनाते हो आप लोग ही नीचे करते हो